तो बताओ बेस्ट बेस्ट कौन है, लड़के की लड़की, पोते या पोती? बेस्ट सब। ये गद्दा वापस गाड़ी में आ रहा था वापस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो भाई अभी जो है ना सुबह सुबह ही बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना सो के उठ के टेक ले लूं, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है शिमला में और ऐसा लग रहा है कि भाई बरसात फिर से वापस आ चुकी है। सुबह से ही बारिश लगी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो जी आज सुबह से शिमला में लगी है बारिश और पूरे आसमान में है बादल ही बादल। आप सामने देख सकते हैं, सामने भी बादल है। जय हो तारा देवी माता। आज तो तारा देवी माता भी नहीं दिखाई दे रहे, तो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है। और ये जो बारिश है और ज़्यादा ठंड कर देगी, वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है शिमला में। तो आज हमने सोचा था कहीं जाएंगे, पर ऐसे में अब कहीं जा भी नहीं सकेंगे और ट्रैवलिंग थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ अभी मैं, कहीं जा भी नहीं रहा हूँ। तो भाई अभी अभी सुबह सुबह जो है ना घर पे आ चुका है स्पाइडर। सुबह नहीं है, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून होने वाली है। अब बजने वाला अब तो हाँ जी, एक बजने वाला है अब तो। स्पाइडर मैन को हमने बुला दिया है। क्या आप स्पाइडर मैन स्पाइडर को बाहर निकाल सकते हैं? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि स्पाइडर मैन को निकाल दिया जाए। हाँ ये तो है, बंदर आ गया। अब तो तुम ही रहने, डराने वाले। कहाँ मिला बंदर? ऊपर आया था ना सुबह, तो वो खिले सारे, वो मेरे को खाने पड़ गया ना। हाँ हाँ, तब तो मैंने कहा शहरी का जीना होना संसार पर, गरीबों ने तो जीना ही। फिर आपने डरा दिया? हाँ मैंने डंडे से उसको मिनट में। क्या बात है, मान गया आपको। हाँ, बड़ी बड़े बहादुर है आप। बहादुर है, यस। हम नहीं किसी से जरगने वाले, बिल्कुल है? तो आज आपने मौसम खराब करा दिया, इतनी बारिश हो रही है। मौसम भी छोड़ दी, मर्जी भाई मालिक को तो नहीं बैठा है। हाँ तो इसके भगवान ने इसकी दया है, इसकी दृष्टि है। हम हर कुछ कर रहे हैं, भगवान तभी सजा दे रहा हमारे लिए। भाई करो मजा, देखना स्पाइडर भाग जाए दादी। तब तक चलो अंदर में दिखा, अंदर है रूम में। मम्मी ब्रेकफास्ट तैयार है? क्या बनाया आपने आज? वाओ नाइस, बढ़िया, भूख लगी है। और दादी आपने खा लिया? खाना मना है भाई, ब्रेकफास्ट बना कैंसल। तो भाई अभी अपना यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइम हो रहा है, तो सब लोग मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे। हाँ जी ब्रंच हो गया ना, बोलो जो बोलो तुम। आज मौसम भी तो देखो कितना अच्छा है दादी, ऐसा लग रहा था और आज पूरी बर्फ वाली फील आ रही थी, है ना, सर्दी वाली। चलो भाई हम तो ब्रेकफास्ट करेंगे, बढ़िया एकदम, काफी भूख भी लगी। सही बात है दादी, सोचते होगे रात को ये सोते नहीं है। मैंने आज डंडा रखना है। डंडा तो आप रखना डंडा। तो देखो बात अभी कुछ ऐसी है कि दादी और मम्मी अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर निकला जाए और तैयारी की जाए अपनी छोटी छोटी प्रीवेड की। प्रीवेड के लिए ना हमें छोटे छोटे प्रॉपर्टीज भी चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे पास टाइम है, शिवम उज्जवल को भी सामान लेने जाना है, तो जितना हो सकता है उतना कलेक्ट करता हूँ ताकि इजी रहेगा। और आपको पता है कि जब बहुत सारी तैयारी एक साथ करनी हो तो चीजें मिस हो जाती है, तो आज टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि वो सारी चीजें कलेक्ट कर लेता हूँ और अपने पास काउंट करता रहूंगा। और जब भी आपको कभी ऐसा काम करना है ना, बहुत सारे काम हो, तो एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, उसमें फिर आपको सारी चीजें लिखनी चाहिए और फिर टिक करना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, नहीं तो ना भूल जाते हैं। अगर कभी आपने ऐसे सोचा होगा कि हाँ हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो हो सकता है उसमें एक आध चीज मिस हो जाए, फिर घर आके बड़ा बुरा लगता है, यार ये भी हो सकता था। तो इसलिए आप चेक लिस्ट बना लीजिए, उसको आप चेक करते रहिए कि हुआ कि नहीं। तो ये सिंपल वे है, इसीलिए हमारे काम जो है जल्दी जल्दी बहुत सारे हो रहे हैं। अभी मैंने चेंज कर दिया है, अब यहाँ से निकलते हैं। भाई शिमला के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, अब निकल गई है धूप, तो मैंने कपड़े पहने थे इस हिसाब से कि भाई थोड़ा सा ठंड भी होगी, पर चलो जो भी है, शाम को तो होनी है ठंड। आप ऐसे तैयार क्यों हैं जैसे मॉल रोड जा रहे हैं? तो जो तेरे पीछे वाला है मॉल रोड जा रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही फॉर्म में है। मैं बोलूं वही इतनी पतली शर्ट पहनी है, जैकेट भी है, जैकेट भी तो लेके जा रहा है। हाँ बॉल तो नीचे ही है, मैंने सोचा कि शिवम और मैं अच्छा बन के जाते ना यार, पता नहीं मेरे पास ये कपड़े ये गांव जा नहीं सकते, तो लेट्स वेयर देम राइट नाउ। चलो जैकेट तो ले जा रहा है, नहीं तो ठंड लगेगी। मेरे साथ गद्दारी हो गई, तो मैं तो तेरे को बोला ही था कि मैं तैयार हो जाऊं।
मॉल का सीन तो नहीं होना? नहीं मॉल तो नहीं है, पर हम अपना कूल लुक में जा रहे हैं ना, मेरे को भी दिखा सकता है साथ में शर्ट। क्या सोचा कि थोड़ी सी ठंड भी है तो ये अभी से फील है और आगे से थोड़ा सा मस्त। नहीं नहीं बहुत सही है। आपको एक चीज बताऊं, ये लोग बहुत ज्यादा हां चेल्सीज है। ओ चेल्सीज तो नहीं है पर साइड टू हैव ब्लूज चेल्सी ट्राई करना चाहता हूं। तो भाई अभी हम लोग तृप्ति आए हैं, तो यहां तो शिवम और उज्जवल को ही काम है, क्या लेना है हमें? भाई मैं एक बार ये बोलूंगा कि जो भी लोग इनके ब्लॉग देखते हैं वो तृप्ति जरूर आओ। सही बात है, यहाँ पे एक बार जरूर ट्राई करना टूवर्ड्स BCS, विकास नगर और BCS के बीच में। पर चलो लेट्स सी, देखते क्या मिलेगा अपने को अंदर। तो यहाँ पे देखो कितने सारे बिस्किट्स हैं, तो अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से बिस्किट ले जाए। ये सारे बेकरी के बिस्किट है, अगर आप चाहते हो तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना जो यहाँ पे, वो है जैसे चॉकलेट रसमलाई, वेलवेट रसमलाई। वाह, ये भी ट्राई करनी चाहिए यार। शिवम क्या कह रहे थे, क्या करना है? ऑलरेडी भूख लग रही है, अभी तो हम खा के आए। आपको बताइए ना 12 कि मेरा क्या होता है। तो भाई एक पैक करवा लेते हैं फिर खा लेंगे आगे रास्ते में। हाँ तो शिवम को खाने हैं भाई मोमोज। तो यहाँ पे देखो फूड कितना अच्छा लिखा हुआ है। तो भाई यहाँ पे एक पेस्ट्री है पिनाटा बॉल्स, तो मैं तो शिवम को बोल रहा हूँ जो ये आगे सींग वाला है ना, ये ट्राई कर सकता है तू। ये मेरे को आपकी तरह भी लग रहा है। शादी से पहले क्या कि शादी से बाद का, ये बता दे। तो भाई ये है चॉकलेट रस मलाई जो मैंने आपको दिखाई थी, टेस्ट बहुत अच्छा है यार। नाइस, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। सिंपल वाली भी होती है, वनीला होती है। हाँ वो भी बहुत स्वाद ना, ये बहुत ज़्यादा स्वीट है ना, मस्त मज़ा आ गया। और इस भाई ये आप क्या खा रहे हो भाई साहब? पुडिंग। पुडिंग मीठा है थोड़ा सा, चलो ट्राई करके देखता हूँ। ये तो बेस्ट है भाई। फ्रूट पुडिंग में ये है कि इसमें फ्रूट्स और क्रीम मिक्स है, तो ये भी एक यूनिक टेस्ट है। पर मैं ये बोलूँगा कि यार ये रसमलाई, चॉकलेट रसमलाई वन ऑफ द बेस्ट आइटम है, ट्राई ज़रूर करें। तो यार अभी हम लोग आए हेतविक सुपरमार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा सामान लेना है, तो सोचा कि इधर से ले लेते हैं। और अगर ये आप इसकी लोकेशन पूछो तो ये पड़ता है टूवर्ड्स पंथा घाटी, और यहाँ पे पीछे है शिव मंदिर। शिव मंदिर के बाद ही आता है हेतविक सुपरमार्ट, अंदर जाके देखते हैं। वही हम लोगों ने थोड़ा बेसिक सामान तो ले लिया, शिवम ने भी ले लिया। अब मुझे यहाँ से चाहिए चॉकलेट्स प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो जो जो भी है मैं देखता रहता हूँ। और तुम लोगों ने ले लिया सारा सामान? बस ऑलमोस्ट एक आध होता है, एक आध बस मेरा भी होने वाला। तो ये है जी हेतविक स्टोर, अंदर से इस तरफ को यहाँ पे प्रोडक्ट्स है और इस तरफ को भी रखा हुआ है सब कुछ सामान। तो भाई देखते हैं क्या क्या, कौन सी चॉकलेट ले जाऊँ मैं। तो भाई अपना सामान तो हो चुका है, हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही सामान लेंगे, बट कलेक्ट करते करते बहुत ज़्यादा हो गया। मैं वही देख रहा था, मैंने शिवम को ही बोला था जब बिल आएगा ना फिर देखियो। फिर लगेगा इतना क्या चक दिया है। उज्जवल ने तो टोटल 49 चीज़ें ली है। शिवम टोटल 49 चीज़ें ली, इसने 50 लगने वाला था, इसका रह गया वो कहीं ना। अभी ना अभी मेरे को थोड़ा सा सामान मिला प्रॉपर्टी का जो प्री वेड शूट में लगनी है, बाकी फिर यहाँ नहीं है, फिर वो कहीं और से लूँगा। हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग आए हैं मलयाना, यहाँ पे है फर्नीचर स्टोर, क्योंकि हमें दादी के लिए यहाँ से गद्दा लेना है। हाँ गद्दा लेना है, दादी काफी टाइम से बोल रहे थे कि गद्दा चाहिए। हाँ उनके पास वो थोड़ा क्या हुआ, एक दिन सुबह में उठा दादी ने उसको बोलते थे सुबह हमारे जो गद्दे थे सब तो सख्त थोड़े थे, बोले मेरे को ना पीठ में दर्द होती है उसको रात को सोते सोते, तो बोले कुछ ऐसा लेके आना जो दबे, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब स्पॉन्जी हो बट दबे, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। हाँ रेस्ट मिल जाए रात को सोते। चलो लेट्स एक्सप्लोर, कुछ मिलना भी तो चाहिए। आ जाओ, हम तीनों पोतों की तरफ से दादी को छोटा सा तोहफा। घर देखो कहाँ ऊपर बनाया बंदे ने चोटी पे। सही बात है, जाते कैसे हो गए यहाँ पे? आप लोगों ने एक चीज नोटिस और नहीं की, कल आपको याद हो गए गाड़ी पे इसके शीशे पे बहुत कुछ लिखा गया था, आज नहीं है, बाहर से एक प्रिंट सा लग चुका है, दिख रहा है दूर से? दिख तो रहा है मेरे को पर हल्का हल्का दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। पर चलो अंदर चलते, आ जाओ। चलो तो जी अपना गद्दा तो फाइनल हो गया, टास्क ये है कि बांधना अपनी गाड़ी के ऊपर ही पड़ेगा। तो भाई मैं एक्साइटेड हूँ कि विकास नगर में हमारी गाड़ी कैसे जाएगी, है ना? मैं तो अभी जब बंदे का उसी के लिए एक्साइटेड है ना, वो मेरे को ये टेंशन है कि आगे को ना फिसले वो, क्योंकि इस पे ऐसा कुछ बांधने का नहीं है, है? हाँ यही है एक हेल्प जिसे हो सकती है, बाकी अब देखो कैसे भैया बांधते हैं, कॉन्फिडेंस तो पूरा है इनको। घर पे सामान ढोना हो रूफ वाली वेगनार वाली गाड़ी ले लो। भाई देखो टास्क ये है, और दूसरा टास्क ये है कि मजा आएगा जब हम जाएंगे इस वाली साइड से, क्योंकि वन वे ही होगा ना, और उधर से तो ऐसा है अगर पास देना पड़ा तो आगे पीछे बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना?
लेट्स सी अभी कैसे बंधेगा। गाड़ी इतनी गंदी हो चुकी है, क्या बताया आपको। तो भाई मैंने गाड़ी मोड़ के लगा दी है, तो देखना ये है कि विड्थ गद्दे की पूरी पूरी है कि नहीं है। गद्दे की विड्थ तो पूरी पूरी है। हाँ भाई चला जाएगा, अब नहीं है मेरे को टेंशन, बस बंद जाना चाहिए अच्छे से, बाकी तो चला जाएगा। है ना, वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे को वही टेंशन थी। ये तो पूरा छत के बराबर है, अब नहीं है टेंशन, अब तो कहीं से भी चले जाओ। टेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, बढ़िया बस अब अच्छे से बंद जाए ही है ना। तो भाई देखो ये एग्जैक्ट पीछे तक आई है, बिल्कुल भी बाहर नहीं है, बिल्कुल लाइट के ऊपर है, और आगे से भी ज्यादा आगे नहीं है। हमने सोचा था कि आगे पीछे झूलेगा ये, पर ओह आगे भी काफी जगह, वैसे तेरी जगह है भाई, अब तो आराम से कहीं से भी जा सकते हैं। पर हम इधर से उतरेंगे, यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे अपने इस दूसरे वाले रास्ते से। टेंशन खत्म है, अब तो हम आराम से पहुंचा देंगे, मेरे को यकीन हो गया है। तो यार अभी हम आए हैं मेन रोड से, सोचा था लिंक से आएंगे पर वो कैंसिल हो गया, और गाड़ी हम लोगों ने यहाँ पार्किंग में लगा दी है। बिल्कुल एकदम मस्त लग रही है, क्योंकि हम जा रहे हैं ऊपर गोलगप्पे खाने। तो वही मन कर रहा है गोलगप्पे खाने का, बहुत टाइम हो गया विकास नगर के गोलगप्पे, मौका कब मिले पता नहीं लगता है। बिल्कुल, तो चलो यार चले। ये पत्थर का तो कोई आइडिया नहीं है क्यों रखे, कितना इंटेलिजेंट लंगूर है। अभी था नीचे, अब आ गया गाड़ी के ऊपर, क्योंकि इधर को आ गए दो कुत्ते। स्मार्ट, पता लगा के जाने वाला तो कूद गया। शिवम भाई आपकी पापड़ी तैयार है, दूसरे कैमरामैन को दे दिया। यस, पापड़ी इज रेडी। तो हम लोग खा के बताएंगे कैसी है, वो टेस्ट है कि नहीं जैसा होता था, क्या लगता है। होपफुली इसी उम्मीद से है कि वही टेस्ट मिल जाए, क्योंकि मजा ही उस चीज का यहाँ पर। सही बात है, मैं तो मतलब अभी से पानी आ गया मुंह में, इतने टाइम बाद खा रहा हूँ ना। तो इसके बाद गोलगप्पे भी हो गए इंटरेस्टिंग। आप बीमार हो ना, आपकी जुकाम है, ज्यादा बीमार हो गया तो फिर देखते हैं। तो भाई यहाँ आगे विकास नगर में गाड़ी फंस चुकी है, तो अब जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक हम भी नहीं निकल सकते हैं। हमने तो साइड में लगा दिया गाड़ी, लोग भी सोचेंगे कि छत पे तो गद्दा बंद हो गए, लेट हो गए तो यहाँ भी सो सकते हैं। इंतजाम साथ लेके चले। ओ निकल तो रही है, कोशिश तो करिए गाड़ी, मेरे को लगता है निकल तो जाएगी, काफी स्पेस है। तो भाई सक्सेसफुली घर तक ये गद्दा पहुंच चुका है गाड़ी की छत पे, तो बस अब इसको निकालना बाकी है। और घर तो फिर यहीं पे नजदीक है, यहाँ तक तो हम खुद भी ले जाएंगे। धूप तो आज बहुत अच्छी है यार। तो शिवम उठा रहा है गद्दा, किस तरह से लेके जाएगा। क्या बात है यार, नाइस, सो इजी। अब हाँ उज्जवल के पास ये, मेरे पास ये है, ये उठाना है। चलो यार छूट जाएगा हाथ से, चलते हैं। अरे कुछ भारी है भाई, सही बात है। चलो तुम आगे को, मैं ये उठाता हूँ। जब आपको बाहर बुलाया जा रहा है, बाहर क्यों नहीं आ रहे ये बताओ। क्या काय को लाया, दादी इतने अनजान बन जाते हैं ना कि लाओ लाओ लाओ। तो ये है जी आपका नया गद्दा दादी, एकदम खूबसूरत कलर का पिंक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्यों? भगवान हाँ जी अच्छी तरक्की दे, हाँ जी अच्छा जीवन दे, अच्छी तरह से भगवान राजी खुशी दे। तो बताओ बेस्ट कौन है, लड़के की लड़की, पोते या पोती? बेस्ट सब। ये गद्दा वापस गाड़ी में आ तो रहा था वापस। तो दादी इस पे अभी देखते हैं, चलो बेस्ट सारे, ऐसा नहीं है, ये छोटा सा तोहफा मेरा शिवम और उज्जवल की तरफ से, उज्जवल तीनों के, हम तीनों की तरफ से छोटा सा तोहफा आपके लिए, कि आप भी अच्छी नींद करो पूरी। आपको गद्दे में दिक्कत आ रही थी तो सोचा कि भाई दे देते, क्यों जी भाई, इतना तो कर सकते बेचारी दादी। बिल्कुल बिल्कुल, और दादी ने पहली बार इतने टाइम बाद कुछ मांगा कि मेरे को कुछ चाहिए, ये नहीं दे सकते, लानत है हमारे ऊपर। मैंने यही बोला था, मैं मतलब जिक्र किया था दादी ने, बिल्कुल अरे बेटा मैं तो नहीं लाना रहा, चलो भगवान तुम्हारा भगवान। चलो एक बारी दादी ऊपर भी चलो, डबल करेंगे ऊपर, चलो देखो हम करेंगे, दो मिनट लगना है, आ जाओ दो मिनट। तो दादी इसमें चेक करो, ऐसा ही कुछ चाहिए था आपको गद्दा, या फिर कहीं ऐसे तो नहीं गलत लिया दिया है। दादी रिव्यू अच्छे देते हैं, इधर से है दादी सॉफ्ट है, आपको पता चलेगा इसमें, लेट के देखो। तो दादी बताओ ओके रिपोर्ट है, ये बताओ पहले गद्दा पसंद आया भी आपको कि नहीं। अच्छा है ना सॉफ्ट, हमने ऐसे लाया, एक तरफ से सॉफ्ट है दूसरी तरफ से हार्ड है, जैसे भी सोना होगा आपको। तो इसके ऊपर आप बिछौना भी बिछा सकते, फिर भी सो सकते, वो और सॉफ्ट हो जाएगा। क्यों, अच्छा आइडिया है, सॉफ्ट हो जाएगा ना थोड़ा सा, या कंबल बिछा दिया, जितना इस पे सोएंगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा, जितना सोते रहेंगे। हाँ चलो शेप ले लेता, ये भी सही है। तो भाई गद्दे की खुशी में हमारे
साथ है आज बुआ। आपको कैसे पता चला कि आज हम गद्दा लेने जा रहे हैं? अच्छा हाँ अच्छा चलो ठीक किया आपने, तो ठीक रहता है। अभी वैसे भी शादी का माहौल तभी बनेगा ना जब धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे, है ना। तो आज हम गए थे, थोड़ा सा हमने सोचा कि यार सर्च करते हैं, फिर मिल ही गया आखिरकार एक अच्छा सा गद्दा। तो मम्मी बस एक ये है कि अब बंदे थक चुके हैं, चाय जैसी चाहिए। हाँ जी मिल के लाया ये गद्दा ना, मिल के था थोड़ा सा, शिवम का भी है योगदान है सनी। चलो फिर ये लाया हमने मलयाना से, मलयाना में ना, तो वहां से लेके आए हम लोग। तो हमने सोचा कि ठीक है यार, अब बात भी सही है, हम भी नहीं सो सकते उन गद्दों में, अब पुराने भी हो गए, हार्ड हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि लेके चलते हैं। मम्मी चाय का ऑर्डर पास है कि फेल है ये बता दो। ये हुई ना बात, बना दो। कौन जाता है भाई जी चाय बनाए? मैं तो नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी थक चुका हूँ, फिर तो कैंसिल चाय। दादी कुछ बोलना चाह रहे, क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी बिस्किट, ओके ब्रेड खाएंगे भाई, तुम्हारे को भूख लगी। क्या बात है दादी, बिस्किट तो मैं देखो इतने सारे लेके आया हूँ तभी ना, ताकि चाय के साथ खाने को मिल जाए। ओहो नमकीन तो हमने लाया नहीं, एक भी नहीं, शेट मिस हो गया, शेट। तो जी सामने होने लगा है सनसेट, और इसी सनसेट के साथ मैं सोच रहा हूँ अपने व्लॉग को भी यहीं पे ही खत्म कर देता हूँ, और बैकग्राउंड में म्यूजिक आ रहा है मम्मी के खाना बनाने का। ये लो भाई आपका सामान ले आ दे दुकान से, ये लो। तो जी इसी के साथ होता है मेरा व्लॉग खत्म। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप व्लॉग्स, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।